लोगों को पहले से आप लोग जो है मुलाजमतों से निकाल रहे हैं, लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, लोगों की तनख्वाहें बंद हैं, हमारे तालीमी इदारों से बच्चों को उठाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे जितने भी तलबा तनजीमें हैं, बेरोजगार लोग हैं या रोजगार में लोग हैं जो अपने हकूक के लिए इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं, तो एक मार्शाला जैसा कानून नया नाफिज हुआ है। जब इजलासें जारी हो तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता है, तो गवर्नर साहब ने ये किस तरह ऑर्डिनेंस जारी किया है, इसको फौरी तौर पे वापस किया जाए। ये इस पूरे इस असेंबली को बिल्डोज करने के मुतरादिफ है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। और ये इंसानी हकूक से भी मुतसादम है, इंसानी हकूक से, कि आप जो लोग अपने एहतियाज के लिए जमहूरी तरीके से आपके सामने आते हैं, आप कह रहे हो नहीं अब 6 माह आपकी सज़ा होगी, इतने लाख रुपये जुर्माना होंगे, मैं समझता हूँ कि इसको फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। जी शुक्रिया बेंगल साहब।